हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बायोलॉजी क्लास में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, 12 क्लास का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें इनहेरिटेंस का 5.8.2 में देखेंगे हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले म्यूटेशन चैप्टर में, तो दो तरह के होते हैं, एक मेंडेलियन और एक होता है क्रोमोजोमल। मेंडेलियन में क्या होता है कि एक जीन में परिवर्तन होता है, और क्रोमोजोमल में एक क्रोमोजोम का प्रयोग वो या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, उसमें चेंज होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है और इसमें कौन कौन सी बीमारी है। एक बीमारी के बारे में भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और बीमारियां जो इसमें है उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो ये क्या है मेंडेलियन, यानी मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का लॉ दिया था तो उस लॉ को फॉलो करने वाला, उस पर आधारित जो बीमारी है, जो उसके उस नियम से हम समझ सकते हैं, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है। क्योंकि मेंडल ने जीन थ्योरी पर काम किया, तो जीन इनहेरिट करता है, बच्चों में जाता है। तो दीज आर डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइंड कैसे किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, बाय अल्टरेशन, अल्टर हो जाना, चेंज हो जाना, और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। इंपॉर्टेंट चीज हुआ, एक जीन में जब परिवर्तन होता है और उसके कारण अगर डिसऑर्डर हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है वो। दीज आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, ये जीन में जब परिवर्तन होता है तो जीन पेरेंट से बच्चों में जाता है, ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो ये कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग में जीन के साथ बीमारी भी ट्रांसफर हो जाता है। ऑन द सेम लाइन, उसी तरह से जैसे कि एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का जो सिद्धांत पढ़े थे इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल, उसी तरह से जैसे वो क्रॉस करके F1 F2 बनाते थे ना, तो बच्चों में जो गुण जाता था उसी तरह ये भी चला जाता है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड, ये किस तरह से जा रहा है, किस में बीमारी होगा, किस में बीमारी नहीं होगा, इसको कैसे जानेंगे। इसको कह रहा है कि इसके पैटर्न को चूंकि व्यक्ति में अध्ययन करना है तो ट्रेस्ड, इसको ट्रेस कर सकते हैं इन ए फैमिली, एक परिवार में, बाय द पेडिग्री एनालिसिस। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पेडिग्री एनालिसिस, कि एक वंशावली जो है, एक वंश का जब स्टडी करते हैं कि किसको कौन कौन बीमारी हुआ था, एक बीमारी को लेकर के अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसका हिस्ट्री देखते हैं कई पीढ़ियों तक, तो उस पीढ़ी को देख करके हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति में बीमारी होगा कि नहीं होगा, अनुमान कर सकते हैं। हम लोग डायग्राम से इसको देखेंगे। कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर, जो मुख्य रूप से फेमस बीमारियां हैं इस मेंडेलियन थ्योरी पर आधारित, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है कॉमन, वो क्या क्या है, नाम है कुछ, कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन है, रंग वाला अंधापन, मतलब क्या हुआ इसमें कुछ खास कलर है ग्रीन और रेड, जिस जो व्यक्ति नहीं देख पाता है या समझ नहीं पाता है कि ग्रीन है कि रेड है, उसको वो ब्लैक समझता है। मतलब तीन कलर अगर रहे, रेड, ग्रीन और ब्लैक, और कहेंगे कि कौन कैसा कलर है, तो कहेगा तीनों एक ही है, तो ये बीमारी हो गया, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और सब कुछ दिखेगा, बस वो खास कलर नहीं दिखेगा। हीमोफिलिया में ब्लीडिंग होने लगता है, कट गया तो रुकावट नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी का जो साइज उसका शेप होता है वो अलग हो जाता है। फिनाइल कीटोन एरिया, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। थैलेसेमिया, इसको पढ़ेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस क्या है इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें यही है कि सिस्ट बनता है फाइबर के जैसा, मतलब फैटी टिश्यू डेवलप कर जाता है, तो ये इसके कारण होता है, कैंसरस होता है सब ETC। इसी तरह से और भी कई बीमारियाँ हैं। दीज डिसऑर्डर्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, हम देखे थे मेंडेलियन में कि एक जीन के, एक ट्रेट के दो एलील होते हैं एक जीन का, तो वो जीन जो है दो ट्रेट, दो एलील, वो कोई एक हावी होता है दूसरे पर, तो जो हावी होता है वो डोमिनेंट, और जो छिपा वो भी रहता है अकेले में, रिसेसिव कहलाता है। तो कह रहा है कि ये बीमारी भी उसी तरह से होता है, जहाँ रिसेसिव होगा तो पता नहीं चलेगा कि इसमें बीमारी है कि नहीं, लेकिन डोमिनेंट होगा तो पता चल जाएगा।
इट कैन बी इजली अंडरस्टैंड, इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, कहाँ पर डोमिनेंट होगा कहाँ रिसेसिव होगा, जहाँ दोनों एलील वो होगा डोमिनेंट, दोनों एलील पर अफेक्टेड होगा तो डोमिनेंट हो जाएगा, जहाँ रिसेसिव होगा मतलब एक एलील उसको संभालने वाला है तो वहाँ छिपा हुआ रहेगा। द ट्रेट मे ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोजोम, क्रोमोजोम जो है दो तरह के होते हैं, ये क्रोमोजोम कितने तरह के थे, दो तरह के, एक सेक्स क्रोमोजोम और एक ऑटोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम क्या हुआ, जो एक्स और वाई है, और ऑटोजोम क्या हुआ, जो उसके अलावे रेस्ट जो है 22 जोड़े वो जो मेल फीमेल में कॉमन होता है एक जैसा होता है उसको ऑटोजोम बोलते हैं। तो ऑटोजोम पर भी होता है ये बीमारी इस तरह का, और सेक्स क्रोमोजोम पर भी ये होता है, हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोजोम पर रहता है। एक्स लिंक्ड यानी सेक्स क्रोमोजोम पर रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन, अगर एक्स पर है ठीक है बीमारी, इसको समझते हैं डायग्राम से थोड़ा, एक्स पर अगर है, एक्स और वाई है ना दो चीज़, और एक्स और वाई, अगर वाई पर बीमारी कोनो है तो वाई तो लड़के के लिए है, तो जो भी लड़का होगा वाई वाले तो वाई वाला ही लड़का होगा, मतलब हर एक लड़के में बीमारी होगा निश्चित है, लड़कियों तो बच जाएगी लेकिन लड़के में बीमारी निश्चित है कि होगा, यही हुआ सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम का बीमारी। वाई पर अगर हो गया तो हर लड़के अफेक्टेड होंगे, लेकिन अगर ये वाई पर ना हो करके एक्स पर हो गए ठीक है, ये इसमें ये देखो एक लड़की है और ये लड़का है, इसमें क्या हुआ, एक पर अफेक्टेड है एक क्रोमोजोम और एक क्रोमोजोम ठीक है, तो ये छिपा हुआ है रिसेसिव, इसमें भी एक्स पर है और वाई पर नहीं है तो ये एक्स छिपा हुआ रहेगा, वाई वाला क्रोमोजोम जो है इसको संभाल लेगा, तो इस तरह जो है रिसेसिव हो गया। लेकिन तब ये कैसे होगा, इससे एक्स और इससे एक्स ये निकल जाएगा तो डबल एक्स बन जाएगा, दोनों अफेक्टेड डोमिनेंट हो जाएगा, ये लड़की भी बीमार हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि एक है ये गोल जो है ये किसके लिए है, फीमेल के लिए, और ये स्क्वायर जो है मेल के लिए है, तो फीमेल का एक्स एक्स, एक एक्स अफेक्टेड, एक एक्स इसका कोई अफेक्टेड नहीं, तो ये जो है जो अफेक्टेड एक है एक अफेक्टेड नहीं है, तो मतलब ये लड़की में वो छिपा हुआ गुण है, तो वो जो छिपा हुआ गुण है इसके कारण रिसेसिव है वो, तो जो रिसेसिव वाले को कहते हैं कैरियर, क्या कहते हैं कैरियर, मतलब वो ढो रहा है अगले जनरेशन में ले जाने के लिए। अब इसका मैटिंग हुआ तो मान लो कि इससे दो तरह के निकालते हैं लड़की, एक एक्स ये बना और एक एक्स ये लिए, तो दोनों एक्स ठीक हुआ तो ये लड़की स्वस्थ होगी, अगर ये एक्स आ गया और ये एक्स, तो एक एक्स अफेक्टेड हो गया तो फिर ये माँ की तरह ही करियर हो गया, इसमें दिखेगा नहीं गुण। लेकिन अगर लड़का हुआ तो बोलता है कि लड़का के लिए तो वाई चाहिए, तो वाई यहाँ से लिए और अगर ये एक्स आया तो ये एक्स वाई फिर लड़का स्वस्थ होगा, और इसमें ये जो है या तो बीमार हो जाए, ये भी फिर करियर हो जाएगा, ये इसका जो है वो अगर साथ इसको हेल्प कर दिया तो ये करियर हो जाएगा, छिपा हुआ रहेगा। और ये मान लो इस तरह का लड़का है कि करियर है और इस तरह का लड़की करियर है, हम तो जान नहीं रहे लड़का में बीमारी है ही नहीं, वो करियर है उसके भीतर में वो गुण है लेकिन दिख नहीं रहा है, असर नहीं है, लड़की भी है उसके उसमें भी दिख नहीं रहा है, और ऐसी लड़की से शादी हो गया बिना एनालिसिस किए, शादी किसी से करते हैं तो जांचते नहीं हैं, तो इससे जो होगा पैदा लड़का लड़की क्या होगा देखते हैं। अगर ये एक्स है कैरियर वाला अफेक्टेड ठीक है, और ये एक्स हुआ बिना अफेक्टेड वाला, तो क्या हुआ फिर करियर हो जाएगा। अगर ये एक्स अफेक्टेड वाला और वह एक्स अफेक्टेड वाला आ गया, ये लड़की बीमार हो जाएगी। अगर ये एक्स, अब देखो ये वाई है, फिर वाई और एक्स हो गया और ये वाई और एक्स अफेक्टेड, तो उसमें वो करियर हो जाएगा। तो इसमें चांस क्या हुआ कि ये जो लड़की होगी ये 50% चांस है
कैरियर होने का और 50% चांस है अफेक्टेड होने का। तो जो भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम वाले से अफेक्टेड है, ऐसे लड़का लड़की की अगर शादी हो जाए तो 50% चांस है कि वो बीमारी होगी। तो ये ग्राफ इसका बनता है। आगे हम लोग एक बीमारी पर चलते हैं, वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो है, हाँ, तो ये जो बताए इसमें ये हो गया कि ये एक्स एक्स एक्चुअली लड़की है, इसलिए ये राउंड शेप होगा, ये भी राउंड शेप होगा, और ये लड़का है तो ये स्क्वायर होगा। आगे हम लोग चलते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। तो इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी सेक्स लिंक है, यानी एक्स और वाई पर होगा और रिसेसिव रहता है, छिपा हुआ रहता है। ड्यू टू डिफेक्ट इन, ये क्यों होता है? तो एक डिफेक्टिव चीज़ होता है। क्या डिफेक्ट होता है, किसमें होता है? तो रेड और ग्रीन कॉर्न, कॉर्न का नाम सुने होंगे। आँख में दो तरह के सेल होते हैं रेटिना में, एक होता है कॉर्न सेल और एक होता है रॉड सेल। तो रॉड सेल जो होता है वो रात में देखने के लिए काम आता है, और कॉर्न सेल जो है वो दिन में देखने में काम आता है, लाइट में। तो अंधेरे में देखने का रॉड काम करता है और प्रकाश में कॉर्न सेल काम करता है। तो रंग तो हम पहचानते हैं दिन में ना, तो ये कॉर्न सेल जो है इसमें डिफेक्टिव हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफेक्ट होने के कारण वो हर रंग को नहीं पहचान पाता। तो दो गो रंग है, उन रंग है एक रेड एक ग्रीन। इस रेड और ग्रीन में जो है इसका जो जीन है वो अफेक्टेड होता होगा, वो इस कॉर्न को अफेक्ट करता है और इस कॉर्न के कारण इस कलर को नहीं देख पाते हैं। तो ये हो गया ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉर्न ऑफ आई। आई का जो आँख में जो रेटिना में कॉर्न होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है, रिजल्टिंग इन फेल्योर। तो इससे क्या होता है कि रिजल्ट क्या होता है कि फेल्योर होते हैं हम, कहाँ? टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंस करने में, अंतर बताने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू, ये इफेक्ट ऐसा बैड इफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण होता है। तो म्यूटेशन किस में हुआ? जीन में हुआ, इन सर्टेन जीन्स, कुछ जीन में प्रजेंट इन द एक्स क्रोमोजोम। और ये इसलिए होता है कि एक्स क्रोमोजोम में कुछ जीन है जिसमें म्यूटेशन हो जाता है और उसके कारण ये सब कुछ चेंज होता है। इट अकर्स इन ओनली 8% ऑफ मेल्स, ये 8% व्यक्ति में होता है, पुरुष में, एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स, फीमेल में मात्र 0.4%, मतलब लड़कों में ज़्यादा, लड़कियों में बहुत कम होता है। दिस इज बिकॉज दिस जीन्स आर ऑन द एक्स क्रोमोजोम, इसलिए ये होता है क्योंकि एक्स क्रोमोजोम पर ये होता है। मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम एक्स होता है मेल के पास, एक वाई होता है। एक्स और वाई कारण जो है, अगर एक्स ही हुआ और उसी में बीमारी है तो उसको ज़्यादा चांस होगा। एंड फीमेल हैव टू, फीमेल के पास दो गो एक्स क्रोमोजोम होता है, एक्स एक्स, तो एक एक्स डिफेक्टिव भी है तो दूसरा एक्स संभाल लेता है। द सन ऑफ ए वोमैन, अगर एक महिला है तो उसका लड़का जो है हु कैरीज द जीन, ये वोमैन जो कैरी कर रहा है, मान लो वही फिगर है ऊपर वाला, अगर ये वोमैन कैरियर है, वो जीन में अफेक्टेड जीन ढो रही है, तो हैज ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। तो लड़का जो होगा वो 50% चांस होगा कलर ब्लाइंड होने का। देखो मान लो यही कलर ब्लाइंड का है, महिला कैरियर है और पुरुष स्वस्थ है, तो जो लड़का होगा वो अगर इस एक्स और वाई के साथ जुड़ा तो स्वस्थ, इस एक्स और वाई के साथ जुड़ा तो अफेक्टेड। तो 50% चांस है स्वस्थ और अफेक्टेड होने का। तो यही कहा गया कि द सन ऑफ ए वोमैन हु कैरीज द जीन, जो वोमैन कैरीज करती है उसका जो बेटा होगा हैज ए 50% चांस
ऑफ बींग कलर ब्लाइंड, आँख से अंधा होने का 50% चांस रहेगा। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड, माँ उसकी ब्लाइंड नहीं होगी क्योंकि वो कैरियर है, एक उसका एक्स ठीक है, इसलिए वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। बिकॉज द जीन इज रिसेसिव, इसलिए नहीं होगी क्योंकि रिसेसिव जीन है, एक डोमिनेंट जीन बढ़िया वाला है वहाँ पर। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। मान लो ये दो एक्स है, एक एक्स अफेक्टेड है, तो जो अफेक्टेड है वो रिसेसिव है, छिपा हुआ, तो जो स्वस्थ है वो उसको मैचिंग जो जीन है जो कि दो एलील एक साथ रहता है तो वो उसको डोमिनेंट कर देता है, वो उसके द्वारा सप्रेस्ड होता है, किससे? डोमिनेंट नॉर्मल जीन से। ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, मुख्यतः लड़की जो होगी वो कलर ब्लाइंड नहीं ही होगी, हो रहा है, कोई चांस नहीं, ये कैरियर ये स्वस्थ, अगर ये भी ब्लाइंड होगा तब कुछ होगा। वही कह रहा है कि ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगी लड़की, क्यों और कब होगी? अनलेस हर मदर इज ए कैरियर, जब तक कि उसकी माँ कैरियर हो, और हर फादर इज कलर ब्लाइंड, और फादर भी कलर ब्लाइंड हो, मतलब ये केस माँ कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, तो इसका केस जो आएगा तो वहाँ पर लड़की को होने का चांस रहेगा, इसीलिए लड़कियों का चांस बहुत कम परसेंट है, कितना परसेंट? 0.4%, लड़कों का चांस 8%। तो ये हो गया कलर ब्लाइंड का केस। आगे हम लोग दूसरा बीमारी को देखेंगे, वो हीमोफीलिया।